हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी बाबेन क्षेत्र के दर्जनों गांवों का दौरा किया। इस दौरे के उपरांत गांव में ईश्वर हेडी में किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष नेब सिंह ईश्वर हेडी के निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी की एक तरफा लहर चल रही है और 23 मई को मात्र एक औपचारिकता ही होगी। पूरे देश में 400 के पार सीट लेकर भाजपा सरकार बनाई जाएगी। एकजुट भावना है कि नरेंद्र मोदी जी को 2019 में दोबारा फिर गद्दी सौंप रहे हैं, तो सारी चुनाव की औपचारिकता है, शीघ्र ही 23 मई तक ये पूरी हो जाएगी और उसके बाद दोबारा फिर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। दो दिन पहले राहुल गांधी लाडवा आए थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर की संज्ञा दी, इस पर क्या कहना जी? देखिए, जो स्वयं ही चोर है उसको दूसरा भी चोर दिखता है और उस व्यक्ति के पास कोई विजन नहीं है। इस प्रकार का व्यक्ति है कि जब उसने देश की मीडिया के सामने बयान दिया और वो कहने लगा कि मैं हर व्यक्ति को 12,000 रुपये दूंगा, साल में 72,000 रुपये दूंगा, 12,000 रुपये महीना और 72,000 रुपये साल के, उसका अर्थमेटिक गणित भी वो गड़बड़ा रहा है और उसने पूरे के पूरी जो कांग्रेस पार्टी है उसको ये मालूम ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। पीछे से कोई उसको चिट पे लिख कर दे देता है, उसको बोल देता है और अगले स्थान के ऊपर जाता है, उसको भूल जाता है। हमारे हरियाणा के अंदर वो आए हैं जो रथ यात्रा चल रही थी, उस रथ यात्रा के अंदर तीन जगह पर वो बोले और तीन ही जगह अलग अलग उसकी स्टेटमेंट आई। एक जगह उसने कहा कि मैं 72,000 करोड़ रुपया पर मंथ दूंगा, दूसरी जगह कहने लगा कि मैं 72,000 करोड़ रुपया पर ईयर दूंगा, तीसरे स्थान के ऊपर जाकर के कहा कि मैं 72,000 करोड़ रुपए दूंगा। उसकी ये समझ में नहीं आया कि वो कहना क्या चाहता है और वो करना क्या चाहता है। आज इस प्रकार का कमजोर व्यक्ति जिसका कोई विजन नहीं है, जिसके पास कोई योजना नहीं है, आज वो जनता को गुमराह करने के लिए लगातार झूठ का सहारा लेकर के वो लोगों को गुमराह कर रहा है, परंतु देश की जनता, प्रदेश की जनता जानती है और उसका परिणाम भी है। जिस रथ यात्रा के अंदर वो आया है उसमें कोई व्यक्ति भी नहीं उसको देखने के लिए भी नहीं पहुंचा, वो सारा का सारा यात्रा जो थी वो फ्लॉप यात्रा रही और प्रदेश की जनता ने तो नकार दिया है। आज मनोहर लाल जी की जो नीतियाँ उनके ऊपर मुहर हरियाणा प्रदेश की जनता लगा रही है। नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश का विकास बड़ी मजबूती से किया, आज पूरा का पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। 23 मई को दोबारा फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और हरियाणा से 10 की 10 लोकसभा सीटें यहां की हरियाणा की जनता जता करके वो नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने वाले। उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी मोदी को चोर बताते हैं, वैसे चोर को चोर ही दिखाई देता है, राहुल गांधी खुद चोर है और उनका गणित बिगड़ गया है और उनकी परिवर्तन बस यात्रा में भीड़ न होने के कारण वह बौखला गए हैं। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश टीवी के लिए कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।